यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं नायगांव पुलिस स्टेशन में। मेरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त अंतर्गत नायगांव पुलिस स्टेशन में। नायगांव पुलिस स्टेशन में ने एक ऐसा मामले का अभी खुलासा किया है जो मामला काफ़ी संजीदा हो सकता था, और जहाँ दो नाबालिग बच्चों का अपहरण का मामला था उसको सिर्फ 2 घंटे में नायगांव पुलिस स्टेशन ने सॉल्व किया है, और काफ़ी बेहतरीन काम नायगांव पुलिस स्टेशन की टीम ने यहाँ किया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 23 तारीख को एक फरियादी आते हैं, वो फरियादी आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं कि उनकी एक 17 साल की लड़की और 10 साल का लड़का दोनों कहीं अपहृत हो गए, और अपहरणकर्ता का फ़ोन आया ये कहने के लिए कि मैंने बम लगाया है, आपका लड़का लड़की मर जाएंगे, इनको एक रिमोट से मार दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। उसने 10 लाख की खंडनी की मांग की, वसूली मांग की। तब उन्होंने आकर रात को 8 बजे 23 तारीख को पुलिस में कंप्लेन दर्ज की। पुलिस ने 8 बजे कंप्लेन ली और तुरंत अपनी 3 टीमें गठित करते हुए उस मामले को एकदम प्राइमर फेसी में रखते हुए त्वरित एक्शन लिया। 3 अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर उन्होंने भेजी, तो आरोपी ने इन दोनों अपहृत बच्चों को मीरा भाईंदर की हद में रखा था। वहाँ एक टीम गई, पुलिस को तांत्रिक पुलिस के अपने सिस्टम है उससे उन्होंने पता लगाया, और वहाँ पर एक टीम गई, वहाँ पर जाने के बाद में बच्चों को छुड़ाया। उसके बाद में पुलिस ने ही पूरा सापला रचते हुए इन आरोपियों को बुलाया था वसई वसंत नगरी पैसा लेने के लिए मधुबन। तो ये वहाँ मधुबन में आए तब उनको दर्द पहुँचा, और इस तरह से सिर्फ 2 घंटे में ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। इस बाबत पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वसई की DCP मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी पत्रकारों को दी, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही साथ एक और मामला यहाँ DCP मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है भी, ऐसा है कि आजकल इस समय में कई लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, और उस पैसे की ज़रूरत में लोग साहूकारी से या किसी से ब्याज पर पैसा उठाते हैं। तो ऐसे ही एक मामले में एक शख्स ने अपने करीबी किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया, और पैसा उधार लेने के बाद में जितना पैसा लिया था उससे अधिक पैसा चुका देने के बाद भी वो उसको बार बार परेशान करता रहा कि तुम मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। उससे तंग आकर उस व्यक्ति ने खुद अपनी जान दे दी। तो वो मामला पहले ब्लाइंड मामला था, पुलिस ने ADR के तहत उसको दर्ज किया। बाद में पुलिस ने उस मामले में संबंधित आरोपी को गिरफ्तार किया, और उस मामले में भी पुलिस ने खुलासा किया। उसकी भी जानकारी DCP मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, आप आगे देखिए वीडियो में। दोनों ही DCP मैडम की दोनों ही बयान, और इस तरह से ये 2 मामले आज नायगांव पुलिस स्टेशन में सफलतापूर्वक खुलासे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। वसई नायगांव से यूसुफ अली। दीपक कुमार गुप्ता ये 23rd December को पुलिस स्टेशन आए। उनका कहना था कि उनके 2 बच्चे हैं, आकांक्षा जो कि 17 साल की है, और उनका बेटा आदर्श जो 8 साल का है उसको किसी ने किडनैप किया है, और कोई उनको एक फ़ोन पे कॉल करके बोल रहा है कि वो बच्चों के पेट पे बम लगाया है, और अगर आपने 10 लाख रुपये टाइम से नहीं दिए तो आपके रिमोट द्वारा हम वो बम का विस्फोट कर देंगे और आपके बच्चों की जान जा सकती है, तो इमीडिएटली यहाँ आप हमें 10 लाख दीजिए, ऐसे उनकी कंप्लेंट थी। तो ये घटना का गंभीर समझते हुए PI रमेश भामे, उनकी टीम, सेकंड PI ट्रेकर मंगेश अंधारी, हमारे API देवरे, API के कान API पालकर, हेड कांस्टेबल सुनील पाटिल और अमलदार, इन सब ने बहुत जिद्दोजहद से ये जो क्राइम होने से पहले ही 2 घंटे में FIR हो बन गई थी, और 2 घंटे में हम बच्चों तक पहुंच पाए, और उसके बाद हार्डली 5 घंटे में हमने वो 2 जो आरोपी थे, एक का उम्र सिर्फ 20 साल का है, तो विपुल तिवारी वो काशीगांव का रहने वाला है, और दूसरा जयप्रकाश गुप्ता 23 साल का है, उन दोनों को 5 घंटे के अंदर हम उनको गिरफ्तार कर पाए और एक अनहोनी होने से बचा सके। सवाल यहाँ पर यह है कि जो बच्चों को अपहरण करता है, तो कैसे अपहरण किया, उनको बच्चों को कहाँ मिले, उनको कैसे मालूम पड़ा बच्चे इस समय यहाँ होंगे, कैसे मालूम? इसके लिए तहकीकात अभी चल रही है, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई अंदर का है जिसने बोला कि अपने घर में इतने पैसे है, कोई नौकर है, कोई घर वाला है जिसने बोला होगा, क्योंकि जो फिनेंशियल सिचुएशन गुप्ता जी की है उसके हिसाब से 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, तो मांगी ही क्यों, और बच्चों को ले कैसे गए, उनको बांध के कैसे रखा था, इसका हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बच्चे पे भी ट्रामा में इसलिए उसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, वही हमें
इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ट्यूशन जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे कि मार्केट जा रहे थे, खेल रहे थे, कहाँ किस पोजीशन से उनको? वो भी आपको हम जल्द बता दें। सर, जब बच्चों को पकड़ा गया तो बच्चों को बांधा हुआ था क्या? बांधा हुआ था। मैडम, आरोपी का बैकग्राउंड है क्या, वो आपराधिक पृष्ठभूमि है क्या? नहीं नहीं, उनके ऊपर कोई भी गुनाह नहीं है, क्लीन बैकग्राउंड है। तो उन्होंने ऐसे क्यों किया, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस एज वेल। आरोपी ने जो वर्ड यूज किया कि बम है, हम बम छोड़ा देंगे, तो ऐसी कोई सामग्री? नहीं, ऐसी सामग्री कुछ बम वगैरह कुछ नहीं मिला, सिर्फ बच्चों को बांध के रखा था। और बच्चे एक काशीगांव में एक जगह पे एक रूम में बंधे हुए पाए थे, तो इतना बम वगैरह कुछ नहीं था। इसमें चोटी हुए जो अधिकारी हैं उनके बारे में क्या? हाँ, इसमें हमें थोड़ा, पहले हमने उसके पापा के, बच्चों के पापा के फ़ोन से ही उनको बोला कि हम पैसे भेज रहे हैं, तो आप जो लोकेशन बताओ, तो उन्होंने हमें लोकेशन भेज दिया। तो पापा के साथ हमारी टीम भी गई थी, जो हम ड्रेस चेंज किया था कि उनको कोई पुलिस वाले पहचान ना आ सके। तो लेकिन वो आरोपी को एक को समझ में आया कि पुलिस भी साथ में है, तो भागने की कोशिश की। तो उसको रोकने के लिए हमारे हेड कांस्टेबल सुनील पाटिल साहब, इनको थोड़ा इंजरी हुआ, अभी वो फिलहाल ठीक है, और हम सक्सेसफुली उन आरोपियों को पकड़ पाए। पीड़ित और आरोपी में किसी तरह का कोई पहले से जान पहचान थी? इस पर हम काम कर रहे हैं, शायद हो सकता है, ऐसे लग रहा है। इसके अलावा इतना ऐसी घटना अब तक मैंने 9 महीने में नहीं देखी कि ओरिजिनल किडनैपिंग वगैरह ऐसा नहीं हुआ था। ये हुआ है तो कुछ तो, और उसका फिनेंशियल सिचुएशन भी, कंडीशन भी उतना नहीं कि 10 लाख वो दे पाए, तो मांगना ही कुछ अलग अलग था। तो हम इस बात पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। पति सागर जयसवाल, जिन्होंने सुसाइड किया था, सुसाइड करते हुए सुसाइड नोट रखा था, उसके तहत संजय शर्मा और उनके पुत्र अजय शर्मा, इन दोनों ने सागर जयसवाल ने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए मई महीने में उठाए थे, उसके और रोज 2000 रुपए सागर संजय शर्मा को देने का वायदा किया था। अब तक उन्होंने 2,42,000 रुपए वापस किए थे और बहुत सारी रकम देने की बाकी थी, ऐसा संजय शर्मा का कहना था। रोज फोन कॉल करके उनको तकलीफ दे रहा था, उसके चलते उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड नोट से भी ये निष्पन्न हुआ है। उसके तहत हमने CR नंबर 453/23, IPC 306 और 34 के तहत गुना नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। PSI इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। संजय शर्मा इनको अरेस्ट किया गया है, 29 दिसंबर तक उनको पुलिस हिरासत मिली है। सिर्फ संजय शर्मा ही आरोपी है कि और भी कोई? उनके पुत्र अजय शर्मा, इनका भी नाम सुसाइड नोट में है, CBI से भी निष्पन्न हो रहा है, तो वो भी आरोपी है, सावकारी के लिए भी हम लीगली ओपिनियन लेके, अगर ऐसे कुछ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, सावकारी एक्ट के सेक्शंस को बढ़ा दिए जाएंगे। अरे, ऐसे मामले आजकल काफी बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? लोग, आपका ही माध्यम सबसे प्रभावी है, आपके माध्यम के तहत हम लोगों को आह्वान करते हैं, तो इस तरह से किसी से पैसे ना उठाए, और उठा रहे हैं और कोई तकलीफ दे रहा है तो आप पुलिस के पास आ सकते हो। कंप्लेंट जेन्युइन होना जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों को आह्वान यही करते हैं कि कोई इस तकलीफ है, सुसाइड का मार्ग बहुत खतरनाक होता है, ये ना चूज करें, पुलिस के पास आप हेल्प भी आ सकते हैं। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल एफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।